तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रायगढ़ इस बस में। वासुदेव सचिन क्या लोटा पानी में जा रहे हैं। ये हमारा नाजिम है जो आज डेढ़ा बनेगा। क्यों भाई डेढ़ा बनेगा ना। ये सब यात्रीगण हैं जो जा रहे हैं रायगढ़ की ओर रवाना हो रहे हैं। तो भाई लोग ये है हमारा दूल्हा आज का बकरा जो आज हलाल होने वाला है। लड्डू कटेगा और सब में बटेगा आज। कैसे लग रहा है भाई बताओ भाई कैसे लग रहा है भाई। कद्दू जैसे लग ना यार। ओला चला कैसे लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कितना महीना चला लिया। 3-4 महीना हो गया। कोई ब्रेकअप डाउन कुछ नहीं हुआ ऐसे। बहुत कर दो ना। वरुण भैया सब यात्री लोग बैठ गए कि बैठ गया भैया। देखिए कोई छूट रहा है तो। नहीं कोई छूट नहीं। एक अंकल छूट रहे हैं पन्ना अंकल। अपने छूट रहे हैं। पन्ना अंकल कहाँ है। चलिए आइए। बस में पहली बार ना। बस में उल्टी मत कीजिएगा। कैसे पहली बार। अच्छा हाउसिंग बोर्ड में रोकिएगा ना बस। पहली बार सफर कैसा लग रहा है। बहुत ही आनंद आए। आनंद ऐसा क्या। और तेरा बचपन से चल रहे। बचपन से तो यात्रीगण कैसा लग रहा है बस में बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा लग रहा है कुछ इंटर पूरा चकाचक भरा है। अरे क्या बना रहे हो। सचिन कर मेहमानी और गोतिया जा थी ऐसा बिहान बैठ रही है। ऐसा आधा एक घंटा हुई है यहाँ से छुई थी। सांझ बेरा तो पहुंच जाब लेके लागत है। अच्छा 5 घंटा का सफर ही। लेकिन जोन हिसाब से रोड है नी तो मजा हो ना दादा। पूरा मजा है। और भाई कर सबसे बड़ा बात की मंगनी जा थी हमरे मन। और रायगढ़ पहुंच के हमरे मन गुठिया का लेके होलक का नहीं का लेके बनी का लेके नहीं हुई। और हमर भी कुछ कुछ मानसा है कि कम से कम रायगढ़ शहर के देख के आए। बिल्कुल। हमरे मन गांव कर आदमी सेकरे चाहे बही थी बस में जा थी। सब टाइट लग रहे हुए पहले से चल रहा इधर। हां गबरू जवान बजाओ यार। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं नाश्ता के लिए रुके हैं। भैया यही करना है नाश्ता। यही नाश्ता करना है अभी। अच्छा तो सब हम लोग अभी पंपशाला में रुके हैं। इधर जाएंगे तो आगे ब्रिज मिलेगा। यात्री लोग अभी उतरेंगे धीरे धीरे। वरुण भैया अच्छा से नाश्ता करे के लिए समय लगा थी। अच्छा उतर जाए। दूल्हा राजा सबको नाश्ता करना है ना। उतरो रे जल्दी जल्दी। कैसे कर रही है जिसको दूसरा खाना है दूसरा भी। चाय वाय बनाते हैं भैया। चाय वाय बनता है कि नहीं बनता है। नाश्ता का इंतजाम कराइए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पंपशाला। तपकरा से निकट पड़ता है पंपशाला का ब्रिज देख रहे होंगे आप मेरे पीछे में। और ये है इब नदी है। ये एक नागलोक भी है। ये तपकरा नागलोक इसलिए बोलते हैं यहाँ तरह तरह के विषैले सांप पाए जाते हैं। इसमें पूर्वज लोग थोड़ा थोड़ा सोने के कण को जमा करते थे बेच देते थे और कुछ बहुत पैसा मिल जाता था उनको। बड़े भैया हैं कुछ बताना चाहेंगे इस इब नदी के बारे में। अभी यहाँ का मिट्टी अगर हम छाने तो हो सकता है कि सोने के कण मिले। अच्छा तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं हमारे हम करते। अच्छा सोना पा कभी समय निकाल के आया जाएगा। हाँ क्यों क्या बोलता है गबरू।
सही बात है ना, आते हैं एकाध दिन पूरा दिन लगा दें, साला एकाध तोला सोना तो मिले यहाँ। इडली है, बड़ा है और आगे जा रहे हैं मेरे लिए बचाना यार थोड़ा। तुम यार कैसा लग रहा है तुम्हारा इस ऑन परब में? सुभाष भैया नाश्ता बहुत अच्छा है, अच्छा। सफर लंबा है, पेट पूजा कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और जो बस में नए उनको क्या बोलना चाहेंगे? वो बेस्ट मोमेंट को मिस कर रहे हैं। मिस कर भाई ना, कैमते अच्छो बाबू से यहाँ से रायगढ़ के लिए रवानगी करेंगे, बताएंगे कितना घंटा में और पहुँच रायगढ़ पहुँच? चार घंटा पूरा पूरे ना। चलिए ठीक, खुदबा में रोक दीजिएगा ना, सवारी उठाना है खुदबा में। गाना पानी सा चले, घाटी की ओरा चले। जवान क्या कर रहे हो बे, हाईलाइट नहीं करेंगे तुमको साले? ए साला है ठेका है क्या, कहाँ ले रहा बे पंकज? नाजिम क्या पिला रहे हो? भाई लोग पंगा हो गया सरदार से। ए बिट्टू शांत करा तो भाई। ऑर्डर लगाने की जरूरत है क्या? अब नहीं है, नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेलकम टू रायगढ़। और भाई कैसा, बड़े दिन बाद एसी का मजा ले रहे हैं, तिल का है बड़ा जान। तो भाई लोग ये है जगह जहां हम लोग को फ्रेश होने के लिए मिला है, फुलगर्दा खा के आए हैं भाई लोग साथ में, है ना? कैसा लगा भाई लोग? मजा आया, नहाने धोने का मन कर रहा है। जैसे भाई लोग कब पहुंचे यार? हम लोग 2 बजे। अरे भैया आप 2 बजे पहुंच गए, आने में दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं एकदम। अरे वाह, इस गाड़ी में सब खत्म हो गया कि है भी कुछ? अच्छा सांभर, अच्छा इडली, बहुत बढ़िया। Thank you.
मंच पर उपस्थित हैं, देखते और सुनते हैं। तो सबसे पहले लड़केपन की ओर से मट्ठा दिखाओ माता भेज रहे हैं। हम लोग भी देख रहे चाहे तो इधर से देख ले।